नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। पीछे आप देख सकते हैं कि आरएमएस 2024 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ चुका है। इस बार आरएमएस ने बहुत जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म दिया है और ये जो वीडियो है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भरते वक्त बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं पेरेंट्स को, और ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, कौन सी वो वेबसाइट है, सभी के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ कितनी सीट्स रिजर्वड हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या वैलिडिटी है फॉर्म के भरने की, सभी पैरामीटर्स के ऊपर बात करेंगे। जो एडवर्टीजमेंट आया है आरएमएस एप्लीकेशन फॉर्म का उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ओके, और इसमें भी हमने लिखा है थंबनेल में कि भरने से पहले जरूर देखें, इसलिए जरूर देखें कि आप भरते वक्त कोई गलती ना करें। ओके, क्योंकि बाद में फिर आरएमएस उसको एंटरटेन नहीं करता है। लास्ट ईयर की तरह बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो आरएमएस का पेपर नहीं दे पाए, आपको मालूम ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फॉर्म भरते वक्त उनसे गलती हो गई थी, इसलिए वो लास्ट मोमेंट में एग्जाम भी नहीं दे पाए। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देखना ताकि पेरेंट्स कोई गलती ना करें, और अगर फिर भी आपको डाउट होता है तो नीचे दिए गए नंबर्स पर हमसे जरूर आप संपर्क करें। देखिए, साथ ही साथ मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि हम लोग आरएमसी, आरएमएस और सैनिक स्कूल की तैयारी बच्चों को करवाते हैं। तो आरएमएस और सैनिक स्कूल का हमारे पास लाइव कोर्स है और ऑफलाइन भी है, अभी चल रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। अधिक जानकारी के लिए आप जरूर हमसे संपर्क करें। एनडीए सीडीएस के बारे में भी मैं बताना चाहता हूं, जो एनडीए सीडीएस के स्टूडेंट्स हमें फॉलो करते हैं, देख रहे हैं, अगर वो हमारे पास ऑफलाइन आना चाहते हैं तो अभी कोर्स चल रहा है, आपका स्वागत है। अधिक जानकारी के लिए आप जरूर नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। सो आरएमएस का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, कैसे आप अप्लाई करेंगे, कैसे आप सर्च करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप सिंपली गूगल में आरएमएस सर्च करेंगे तो आरएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, और जब आप खोलेंगे तो आपको कहीं पर भी ऑनलाइन एप्लीकेशन की कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी लिंक देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार आरएमएस ने एक नई वेबसाइट के थ्रू, एक नई वेबसाइट तो नहीं कहा जाएगा उसे, एक नई अथॉरिटी है जो मेरे ख्याल से आरएमएस का पेपर कंडक्ट करवा रही है, तो एक नई वेबसाइट है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं या आरएमएस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब वो जो अथॉरिटी है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, NIELIT करके है, ठीक है, इन शॉर्ट फॉर्म। तो अगर आप ये सर्च करेंगे गूगल में, मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया आपको मिल जाएगा। ओके, ऑलरेडी मैंने ओपन करा हुआ है, लेकिन अगर आप गूगल में ऐसे सर्च करेंगे NIELIT राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल करेंगे तो आपको वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और जब आप वेबसाइट में क्लिक करेंगे तो ये वो वेबसाइट है, ये वेबसाइट इंपॉर्टेंट है, apply-delhi.nielit.gov.in है, आपको स्क्रीन में भी ये वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। सो दिस इज द वेबसाइट। ओके, और हम डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक भी डाल देंगे ताकि आप इसे डायरेक्टली खोल सकते हैं। तो जैसे आप वेबसाइट खोलेंगे, देखिए इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, और इस इंटरफेस में साफ साफ लिखा गया है, देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये वो संस्थान है मेरे ख्याल से जो इस बार बच्चों का एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। साफ साफ लिखा हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एकेडमिक सेशन 2025-2026। ओके, और यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें आपको दी हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो ये 21 अगस्त को ये पब्लिश हुआ है। ओके, और आज है 22, कल ही ये चीज़ें पब्लिश हुई हैं, तो एकदम लेटेस्ट आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन हम लेकर आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको प्रॉस्पेक्टस दिया है, इसमें प्रॉस्पेक्टस भी अच्छे से पढ़ेंगे, फिर फ्लो चार्ट दिया है। फ्लो चार्ट में बेसिकली रिजर्वेशन के बारे में बताया गया, कितनी परसेंट सीट्स कहाँ पर है, कैसी है, उसके बारे में भी एक डिटेल्ड अलग वीडियो बताएंगे। एक एग्जाम कैलेंडर दिया है, उसमें डेट्स हैं सारे इंपॉर्टेंट, और फिर डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट दिया है। ठीक है, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट या प्रॉस्पेक्टस दोनों में से कोई भी एक कवर करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं आपको ये चारों ही चीजें दिखाऊंगा। ठीक है, ये चारों चीजें पढ़नी जरूरी है क्योंकि उसके बाद फिर आप अप्लाई करेंगे। देखिए, इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग यहाँ पर साफ साफ दिया है, इंस्ट्रक्शन में क्लिक करेंगे तो इंस्ट्रक्शन खुल जाएंगे। न्यू यूजर होंगे तो रजिस्ट्रेशन यहीं से होगा, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो फिर आप यहां से लॉग इन करेंगे। ठीक है, कैसे इस फॉर्म को भरा जाएगा उसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो हम जरूर बनाएंगे, तो हमारे साथ आप बने रहिएगा। ओके, साथ में कुछ और डिटेल्स दिए हैं, कुछ हेल्प डेस्क नंबर्स दिए हैं, अगर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे वेबसाइट जो इनका इनकी वेबसाइट है या जो इनका अदर क्वेरीज के लिए मेल अकाउंट है उसमें आप संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर्स भी दिए हैं, ठीक है, बस ये उठा लें फोन क्योंकि पिछले बार आरएमएस ने बड़ा परेशान किया था। ओके, अगर मैं प्रॉस्पेक्टस की बात करूं, देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर खोले हुए, ये डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है, ये इनका एग्जाम कैलेंडर है, ये वो फ्लो चार्ट है जिसके बारे में बात कर रहे थे, और ये वो प्रॉस्पेक्टस है। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉस्पेक्टस, लेट्स टॉक अबाउट इट। ये आरएमएस का प्रॉस्पेक्टस है
2025 और 2026 के सेशंस के लिए। तो इसमें क्या क्या चीज़ें दी हैं फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले इंडिया का मैप में एक आरएमएसएस कौन कौन से स्टेट्स में उसके बारे में बताया जाता है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटका, ठीक है, इन तीन स्टेट्स में ही है पाँचों के पाँचों आरएमएसएस। ओके, इंट्रोडक्शन आरएमएसएस के बारे में मेरे ख्याल से सभी पेरेंट्स को मालूम है, अभी उस पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा मैं। एम के आरएमएस का वो भी मालूम ही है, टू इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रिपेयर द कैडेट्स टू ज्वाइन डिफेंस सर्विसेज। मेन टारगेट ये रहता है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करें। साथ ही साथ एकेडमिक्स के बारे में भी इसमें दिया गया है, सीबीएसई बोर्ड है, ये सारी चीजें हैं। ओके, एडमिशंस की बात कर लेते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट एडमिशंस। एडमिशंस इसमें क्लास सिक्स और क्लास नाइन्थ में होता है। क्लास सिक्स और क्लास नाइन्थ में साफ साफ दिया गया है, ध्यान से देखना, क्लास सिक्स में साफ साफ दिया गया है बॉयज एंड गर्ल्स के लिए जो एज लिमिट है, ही और शी शुड नॉट बी लेस देन 10 इयर्स एंड मोर देन 12 इयर्स, मतलब 10 से 12 का गैप दिया है एज ऑन 31st मार्च। ऐसे पता नहीं चलता, हम एज का जो विंडो है वो देखते हैं, अभी उसके बारे में बात करेंगे। सो 10 से 12 फॉर क्लास सिक्स, और नाइन्थ की बात करें बॉयज एंड गर्ल्स के लिए तो 13 से 15, ठीक है, अभी डिटेल में बात करेंगे। ओके, उसके अलावा क्या दिया है, डेट्स दिए हैं ऑनलाइन सबमिशन की, 21 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, भरना शुरू हो गया है, 19 सितंबर इज द लास्ट डेट, 19 सितंबर रात के 8 बजे तक, 20 आवर्स है, मतलब रात के 8 बजे तक आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आरएमएस का भर सकते हैं। अच्छा, रिटर्न एग्जाम कब होगा उसकी डेट अभी इंटीमेट करेंगे आपको एसएमएस के थ्रू, ठीक है, या किसी या ईमेल के थ्रू आपको इंटीमेट किया जाएगा। ओके, कि कब है एग्जाम। अच्छा, रिजर्वेशन के बारे में भी दिया है, रिजर्वेशन कितना कितना रिजर्वेशन है इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। फिर एलिजिबिलिटी दी है, और ये एलिजिबिलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो जो एडवर्टीजमेंट होगा उसके बारे में बात करेंगे, इस एलिजिबिलिटी के बारे में मैं डिटेल में अभी बात करूंगा। उसके अलावा एडमिशन टेस्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, सिलेबस के बारे में बात क्या इसमें करी है, इंटरव्यू है, रिजल्ट है, फाइनल सिलेक्शन है, मेडिकल फिटनेस है, ठीक है, ये सारी डिटेल्स इसमें दी हैं। ओके, किसमें, प्रॉस्पेक्टस में। फिर अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप्स, पॉकेट मनी, ये बात की चीज़ें हैं सारी, ठीक है। ओके, तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट के थ्रू, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में सारी चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर होती हैं। ओके, आप ज़रूर प्रॉस्पेक्टस देखिएगा, लेकिन मैं आपको एक तो इंपॉर्टेंट डेट्स और ये एडवर्टीजमेंट के बारे में आज बात करने वाला हूँ। सबसे पहले एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं, क्लास सिक्स और क्लास नाइन्थ का है, यही एडवर्टीजमेंट आपको न्यूज़पेपर्स में भी देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आरएमएसएस के बारे में बताया कि चेल विच इज इन हिमाचल प्रदेश, अजमेर, बेलगाम, बेंगलुरु, ढोलपुर, इन सभी जगहों में आरएमएसएस है, पांच जगहों में है। एलिजिबिलिटी में एक नजर डालते हैं, देखिए 10 से 12 साल ऑलरेडी हमने देखा था, अभी 10 से 12, ठीक है, 10 टू 12 इयर्स एज ऑन 31st मार्च। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बॉर्न बिटवीन 1 अप्रैल 2013, 1 अप्रैल 2013 से लेकर 31 मार्च 2015, इंक्लूडिंग बोथ द डेट्स, साफ लिखा हुआ बोथ डेज इंक्लूसिव है। अगर आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में आती है 1 अप्रैल 2013 से लेकर 31 मार्च 2015, ठीक है, तो आपका बच्चा एलिजिबल है। नाइन्थ के लिए वही चीज दी है 13 से 15, 31 मार्च 2025 तक, यहां से समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आप देखेंगे 1 अप्रैल 2010 जो एज का ब्रैकेट दिया है वो इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 2010 से लेकर 31 मार्च 2012, ठीक है। उसके अलावा रिलैक्सेशन भी मिलता है इसमें, किसको मिलता है, उन बच्चों को मिलता है जिनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं किसी भी एक्शन में, फौज में किसी भी एक्शन में शहीद हुए हों, ठीक है, तो ऐसे बच्चों को कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे 6 महीने का एज रिलैक्सेशन है 6th और 9th के एडमिशन्स के लिए, ठीक है। अच्छा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगते हैं, अगर मैं बात करूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगी जाती है। क्लास सिक्स के लिए कहा गया है कि बच्चा क्लास 5th पास होना चाहिए, ओके, बिफोर द डेट ऑफ एडमिशन, या स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 5th आर ऑल्सो एलिजिबल, जो बच्चे क्लास 5th में पढ़ रहे हैं वो भी एलिजिबल है एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए, ध्यान दीजिएगा। नाइन्थ के लिए क्या कहा गया है, नाइन्थ के लिए कहा गया है शुड हैव पास्ड 8th फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल बिफोर द डेट ऑफ एडमिशन, ठीक है, तो इसमें भी वही है कि एडमिशन से पहले पहले बच्चा 8th पास होना चाहिए। 6th के लिए क्या है, 6th के लिए भी वही है कि 5th पास होना चाहिए बिफोर द डेट ऑफ एडमिशन, ओके, दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लास 8th आर ऑल्सो एलिजिबल, जो 8th में पढ़ रहे हैं वो भी एलिजिबल है, ठीक है, लेकिन 7th में पढ़ने वाले एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, वो नहीं होंगे, क्योंकि एडमिशन के वक्त वो 8th पास नहीं होंगे, समझ रहे हो ना इस बात को, ठीक है। ओके, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है कि ये मल्टीपल चॉइस ओएमआर बेस्ड रहता है,
कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन सीईटी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी बोलते हैं इसे, ठीक है, क्लास सिक्स और क्लास नाइन्थ के लिए होता है। यहाँ पर वेबसाइट्स दी हैं, ओके, ये दिया है देखो वेबसाइट applied-delhi.nielit.gov.in, इस वेबसाइट को आप जरूर गो थ्रू कीजिएगा। अच्छा, क्लास नाइन्थ में आपसे क्या क्या पूछा जाता है? क्लास नाइन्थ में इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, मैथ्स और साइंस है, और अगर क्लास सिक्स की बात करें तो इंटेलिजेंस, जीके, मैथ्स और इंग्लिश। साफ साफ दिया गया है कि क्लास फिफ्थ के लेवल का पूछा जाता है क्लास सिक्स वालों से, और क्लास एट्थ के लेवल का पूछा जाता है क्लास नाइन्थ वालों से। अच्छा, रिजर्वेशन की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि डेफिनेटली आरएमएस का में डिफरेंस यही है कि 70% सीट्स रिजर्व रहते हैं फॉर जेसीओज या अदर रैंक्स ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। मैं ऑफिसर्स की बात नहीं कर रहा, जितने भी जेसीओज हैं या अदर रैंक्स वाले हैं जो नॉन कमीशन ऑफिसर्स वाली रैंक्स हैं, उनके लिए 70% सीट्स हैं इसमें, इंक्लूडिंग एक्स सर्विस मैन ऑल्सो। हाँ, और जो जितने भी ऑफिसर्स हैं या जितने भी सिविलियंस हैं उनके लिए 30% ऑफ वार्ड्स ऑफ ऑफिसर्स ऑफ आर्मी नेवी एयरफोर्स इंक्लूडिंग रिटायर्ड ऑफिसर्स, जो भी रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी 30% वाला कोटा है, एंड वार्ड्स ऑफ सिविलियंस, तो जो सिविलियंस के बच्चे हैं वो 30% वाली कैटेगरी में आते हैं। अ मैक्सिमम ऑफ 50 स्टेट्स इन ऑल केसेस पुट टुगेदर आर ईयरमार्क्ड फॉर कैटेगरी किल्ड इन एक्शन, और ओवरऑल 30% सीट्स सारे ही पांचों आरएमएसएस में 50 सीट्स हमने किसके लिए रखी गई है, उन बच्चों के लिए रखी गई है जिनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं शहीद हुए हैं किसी भी एक्शन में, फौज में किसी भी एक्शन में शहीद हुए, तो ऐसे बच्चों के लिए 50 सीट्स अलग से हैं। उसके अलावा ये भी नोट करने वाली बात है कि 27%, 15% और 7.5% सीट्स रिजर्व्ड हैं ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए 27% है। नॉन क्रीमी लेयर की बात हो रही है यहां पर, क्रीमी लेयर की बात नहीं हो रही, ध्यान दीजिएगा। एससी के लिए यहां पर 15% है और एसटी के लिए 7.5% है इन ऑल द कैटेगरीज, जितनी भी कैटेगरीज हैं सभी में। और क्लास सिक्स और नाइन्थ के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर गर्ल्स की बात हो रही है, क्लास सिक्स और नाइन्थ के लिए 10% सीट्स हैं, आप 30 वैकेंसीज बोल सकते हो मैक्सिमम पांचों आरएमएसएस को मिलाकर, विल बी रिजर्व फॉर गर्ल कैंडिडेट्स, ठीक है, सिक्स और नाइन्थ को मिलाकर टोटल 30 सीट्स, मैक्सिमम 30 सीट्स को रिजर्व किया गया है पांचों आरएमएसएस में गर्ल्स के लिए, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है कि उसके बाद जब रिटर्न होगा तो फिर एडमिट कार्ड आएंगे तो बच्चे रिटर्न एग्जाम देंगे, रिटर्न एग्जाम के बाद बच्चों का इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू का रिजल्ट आएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद बच्चों का मेडिकल होगा, ठीक है, इसके बारे में कभी बाद में डिटेल बात कर लेंगे। तो ये एक प्रक्रिया है कि आप रिटर्न एग्जामिनेशन देते हो, उसके बाद इंटरव्यू होता है, और उसके बाद बच्चे का मेडिकल होता है, सब कुछ ठीक रहा तो बच्चे का फिर फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या दिया है, पॉइंट नंबर 7 में दिया है आपसे कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अवेलेबल है 21 अगस्त से, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ 10 बजे से हो चुके हैं, कल से ये फॉर्म 10 बजे से एक्टिव हो गए थे, आप भर सकते हो। एंड दिस इज द वेबसाइट, वेबसाइट में मैं बार बार बता रहा हूँ कि वेबसाइट थोड़ा सा टिपिकल है, अलग से है। लास्ट डेट कब है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लास्ट डेट इज 19th of September। कुछ चीजें हैं जो बार बार मैं रिपीट करूंगा ताकि आपके ध्यान में रहे। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, मैं बहुत ध्यान से पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। सबसे पहला पॉइंट ये दिया है कि पेरेंट्स कैंडिडेट्स शुड एक्सरसाइज ड्यू केयर वाइल फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इफ ऑन वेरिफिकेशन और अदरवाइज एट एनी सब्सिक्वेंट स्टेज इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन और सम वेरिएशन फाउंड द कैंडिडेटचर इज लायबल टू बी रिजेक्टेड। साफ साफ कहा गया है कि भैया ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यान से भरिएगा, गलती से कोई गलत आपने डिटेल डाल दी, बाद में वेरिफिकेशन हुआ और वो डिटेल कुछ अलग मैच कर गई आपकी डॉक्यूमेंट देखते वक्त, उस वक्त बच्चे का जो कैंडिडेटचर है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ साफ साफ ये भी कहा गया है कि नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ एंड मेडिकल एग्जाम सेंटर्स विल बी इंडिटेंट। अगर आप ऐसी रिक्वेस्ट करोगे कि कैटेगरी चेंज कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ चेंज कर लीजिए, मेडिकल एग्जामिनेशन का सेंटर चेंज कर लीजिए, तो वो आरएमएस बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं करेगा। अच्छा, वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशंस विद रेफरेंस टू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विल बी डन ड्यूरिंग एडमिशन। तो जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है, ठीक है, उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से चेक किया जाएगा, वो एडमिशन के वक्त वेरिफिकेशन होगा। बाकी ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हैं आपको पांचों आरएमएसएस की, ठीक है। सो दिस इज द ओनली इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा आप यहां से जब आप apply-delhi.nielit.gov.in वेबसाइट में जाएंगे तो यहीं पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, यहीं से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसको क्लिक करोगे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन तो इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, कैंडिडेट का नाम, फादर्स डिटेल्स, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड कंफर्म करके यहां से एक बच्चे के पास एक लॉगिन आईडी आ जाएगी और वहां से फिर वो आगे प्रोसीड कर सकता है, ओके। इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो जरूर बनाऊंगा। साथ ही साथ एक बार मैं आपको जरूर ये फ्लो चार्ट भी दिखाना चाहता हूँ, बस देख लीजिए इसे, इसके बारे में मैं बताऊंगा कैसे जेसीओ और अदर कैटेगरी को कैसे, अगर आप हो
तो 70% कैटेगरी में हो, नहीं हो तो 30%, ठीक है। इस फ्लो चार्ट को मैं एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, फाइनली लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको फिर से बता दूं, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं लेकिन लास्ट में जाते जाते, ठीक है, डेट्स के बारे में फिर से बोलता हूँ कि रजिस्ट्रेशन आपके 21 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं सुबह 10 बजे से। रजिस्ट्रेशन लास्ट 19 सितंबर, 19th of September इज द लास्ट डेट, बार बार कह रहा हूँ 19 सितंबर, कम समय है तो जल्द से जल्द भरने की कोशिश कीजिएगा। अलाउ चेंज ऑफ एग्जाम लोकेशंस, ठीक है, एक स्पेसिफिक विंडो खुलता है जिसमें आप एग्जाम की लोकेशंस को चेंज कर सकते हो, ठीक है, वो खुलेगा 20 सितंबर से 22 सितंबर तक सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक, ठीक है, मतलब 20 सितंबर सुबह 10 बजे और 22 सितंबर रात के 8 बजे। उसके अलावा डेट ऑफ एग्जामिनेशन को बाद में अनाउंस किया जाएगा, अभी डेट ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में कुछ भी इंटीमेशन नहीं दिया है, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग RMS एग्जाम। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो नीचे दिए गए नंबर्स पर हमसे जरूर संपर्क कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इस वीडियो को आगे शेयर जरूर कर देना जो पेरेंट्स चाहते हैं इस बार RMS का फॉर्म बच्चों के लिए भरे। और इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।